गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम जा रहे अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। बजे हैं 5:30। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बज रहा है 5:30 एंड कितना अंधेरा हो रखा है। एंड हम जब आए थे तो आज थोड़ा लेट ही हुआ हमारा, आते आते उजाला होने लगा है और सुबह सुबह वॉकिंग करने के बाद बहुत ही फ्रेश फील होता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग अभी ग्राउंड में आ गए और पूरा सन एकदम निकल गया है और सारे लोग भी भर गए थे, काफ़ी लोग आवे गए थे फील्ड में और सारे वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। तो काफ़ी देर वॉकिंग करने के बाद थोड़ा सा थक गए हम लोग और यहीं पे बैठ गए, हम दोनों भाभी और मैं बैठ गए यहीं पे और थोड़ा बहुत हैंड वगैरह मूवमेंट करने लगे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा हमने भी किया। और देखिए वहाँ पर सन कितना अच्छे तरीके से निकल रहा था। और आते 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 फ़ोन देखा तो 6:30 हो गया था। और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं ये हमारे बंदर महाराज। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्लावर पॉट्स और मैंने इस पर ना पेंट किया, कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये कुछ प्लांट्स मैं जो घर से लेके आई थी। और अभी ना वेस्ट डब्बे को भी काट के मैंने लगाया है, अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे जो एक सिंगल वहाँ पे अपने दो पॉट में दो फूल देखा ना, उसको लगाऊंगी यहाँ पे। एलोवेरा। वेलकम बैक टू जियान श्वेल, कैसे फ्रेंड्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जस्ट आई हूँ मैं ये मॉर्निंग वॉक करके, 5:30 को गई थी और अभी बज रहा है 6:30। तो ऑलमोस्ट 1 आवर मैंने वॉकिंग किया और साथ बहुत वेट गेन हो गया है फ्रेंड्स मेरा। वहाँ से आने के बाद काफ़ी लोग सारे लोग बोल रहे हैं ज़्यादा वेट गेन हो गया है बोल के, इसलिए थोड़ा सा सोच रही हूँ डाइट मेंटेन करूँ और वेट लॉस करूँ। तो इसलिए अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने लगी हूँ। मतलब पहले तो नहीं जा पाती थी क्योंकि जियान रहता ना मॉर्निंग को, अभी हस्बैंड के नाइट शिफ्ट रहने से भी चली जाती क्योंकि उसके दादा दादी घर पे रहते, वो जगने से अपने दादा दादी के पास सो जाता है, तो इसलिए चली जाती हूँ मॉर्निंग में। इवनिंग को एक्चुअली टाइम नहीं होता है मेरा अभी क्योंकि थेरेपिस्ट वगैरह भी आते हैं ना घर पर, तो इसलिए सुबह चली जाती हूँ। तो सोचा स्टार्ट कर देती हूँ आज के ब्लॉग को सुबह सुबह ही। तो जस्ट आई हूँ और अभी पानी वगैरह पी के, जीरा पानी पीऊँगी मैं अभी, पानी वगैरह पी के फिर नहाने चली जाऊँगी और उसके बाद फ्रेश होके आप लोगों से मिल दो। जियांज का स्कूल भी है, आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन भी इस साल से स्कूल रहेगा जियांज का, तो सारा कुछ रेडी करना है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा ब्लॉग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। यहाँ मेरा बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स जीरा पानी और अभी मैं पीने जीरा पानी, फिर आप लोग उससे मिलते हैं। बना लिया है अपना जीरा पानी और अभी जीरा पानी बनाते बनाते मैं ना नहा के भी आई, नहाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल यहाँ पे 40 डिग्री प्लस हो रहा है, 38-40 ऐसा रहता है। तो वही है, मैं पी ली थी और जियांज भी आज जल्दी उठ गया। बेटा बेटू, जियांज भी जल्दी उठ गया फ्रेंड्स आज, और अभी स्कूल है उसका, मैं रेडी करूँगी उसको थोड़ा सा पानी पी के। मैं अभी नाश्ता बनाने गई हूँ, मतलब रख दिया है, दलिया बना रही हूँ फ्रेंड्स और जियांज का टिफिन विफिन भी रेडी करना है। आज सैटरडे है ना, तो थोड़ा सा स्नैक्स भेजूँगी लाइट वाला, तो जो उसको पसंद है, फिंगर पापड़ नहीं होते वैसा वाला है, वैसा ही फ्राई करके भेजूँगी। और देखती हूँ देखो क्या क्या है, चॉकोलेटी वगैरह है तो थोड़ा सा वैसे ही भेज दूँगी सोच रही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा फ्रेंड्स हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, जियान जल्दी सुबह उठने के बाद क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह निकाल लिया सारा टॉयज और अभी खेलने के लिए बैठ गया। अभी खेलना है कि स्कूल जाना है? स्कूल जाना है, फिर आपने पूरा टॉयज क्यों निकाला? चलो ब्रश करेंगे। चलो मैं अभी किचन में थी तो उसने पूरा टॉयज निकाल के सारा बिखेर दिया। चलो आने के बाद खेलेंगे ना, ओके? नहीं, जियांश रेडी और जियांश को लेके जा रहे बस में चढ़ाने के लिए। चलिए हस्बैंड भी आ गए, ड्यूटी नाइट ड्यूटी था उनका, अभी आए वो जस्ट। चलिए चलते हैं, जियांश को बस में चढ़ा के आते हैं।
चलो फिर बस आ गया, अभी बाहर घुमा के आई टिफिन लेने के लिए। ओ देगा क्या हुआ फ्रेंड्स, टिफिन ही नहीं भेजी थी मैं, ऐसा तो नहीं होता है, मैंने टिफिन का पता नहीं कैसे भेज दिया था, तो मैं लेके भेज दिया अभी चियांश को। बेचारा वो मेरे को देख रहा था, ढूंढ रहा था, बाय करने नहीं मिला ना, खड़ा होकर देख रहा था, वो नहीं दिखा शायद, नहीं दिखी शायद। मैं जा रहे फ्रेंड्स आज भी थेरेपी के लिए, और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ बॉटल एंड मम्मी का दुपट्टा। मेरे हस्बैंड लोग थेरेपी दिलवाने के लिए, और जियांश भी गया स्कूल, और अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा सा फ्री। फ्री मीन्स क्या है, जियांश आने तक खाना वाना बनाना पड़ेगा, और सोची एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और सुबह से मॉर्निंग से 10 बजे तक का मैंने आप लोग को रूटीन शेयर किया। और हाँ फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ पे ना गोविंदा जी आए थे, वही इलेक्शन के प्रचार के लिए आए थे, शायद अभी इलेक्शन होने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसी के प्रचार के लिए आए थे। तो मेरे पास छोटा सा एक क्लिप है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं तो नहीं गई थी, किसी ने मुझे शेयर किया था, तो चलिए देखते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड मिलता है एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि गोविंदा जी आ रहे, अदरवाइज़ मैं चली जाती देखने के लिए, थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लेती। कोई बात नहीं, खुशवंत भाई को थैंक यू, उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्लिप सेंड किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोग को देख के।